एक समय था जब केबल ऑपरेटर्स के घर आपको जाना होता था, जब आपके घर में कलर टेलीविज़न आया, केबल ऑपरेटर से आप रिक्वेस्ट करते थे कि केबल लगा दीजिए ताकि वो तरह तरह के चैनल्स देखे जा सकें। आज के समय में जिस तरीके से अपग्रेडेशन हुआ है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब केबल इंडस्ट्री के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसी के चलते आज दिल्ली के होटल ललित में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम वो बड़ी शख्सियतें जुड़ी और अपने अपने ख्याल रखे इस बात को लेके कि इंडस्ट्री को बचाया कैसे जाए। केबल टीवी का नाम सुनते ही आपके जहन में 90 के दशक की वो तस्वीरें ताजा हो जाती होंगी, जब रंगीन टीवी ने घरों में दस्तक दी थी, जिसके बाद हर घर में केबल वायर लगाए जाने लगे थे। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, केबल टीवी अपनी वो मजबूत विरासत धीरे धीरे खोता चला गया। इसके बाद केबल टीवी की जगह सेटअप बॉक्स और अब सैटेलाइट टीवी ने ले ली है, और आज 21वीं सदी में OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का दौर है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री के पतन का आखिर जिम्मेदार कौन है। जिस व्यवसाय से हजारों लाखों लोग जुड़े हों, उस इंडस्ट्री की हालत आज अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश में लगी हुई है, जिसको लेकर आज दिल्ली के ललित होटल में सैटेलाइट और केबल ऑपरेटर की संस्था आविष्कार मीडिया ग्रुप ने एक सिंपोसियम का आयोजन किया, जिसमें इस इंडस्ट्री से देश की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के ज्वाइंट सेक्रेटरी संजीव शंकर ने भी हिस्सा लिया और सरकार की नीतियों के बारे में बात की। The satellite cable industry come in that carriage zone. And then there are subscribers and advertisers. So the revenue model for linear TV has always been subscription based and advertisement based. So currently, if we say that I'll come to the numbers later. So basically this is the ecosystem in which the linear broadcasting sector works. Now, when I examine this proposition, whether the linear broadcasting sector ever realize its freedom. What does freedom mean for a linear broadcasting sector? And has it evaded till now? So I would say that already the linear TV has realized its peak. So it realized its potential. And there is always scope going forward for new technologies to not only supplement, complement this linear broadcasting sector. इस आयोजन का मकसद केबल ऑपरेटर और ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेटर्स को समय के साथ अपने अंदर बदलाव और नई टेक्नोलॉजी को समझने के लिए रखा गया था। अक्सर देखा गया है कि केबल ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स को आपसी तालमेल ना होने की वजह से एक दूसरे की खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर दोनों एक आपसी तालमेल एक साथ काम करें तो इस इंडस्ट्री को और बेहतर बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया ताकि सभी लोग एक छत के नीचे आकर अपनी समस्याओं का निदान कर सके और सरकार को अपनी परेशानियों से अवगत कराया जा सके। देखिए, ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल टीवी इंडस्ट्री और जो आने वाली टेक्नोलॉजी इसके अंदर जुड़ती जा रही हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है और देश के 130 करोड़ से भी ज़्यादा जो उपभोक्ता हैं उनको और बेहतर सर्विस देने के लिए इन सबको अधिक से अधिक अपडेट किया जाए और एजुकेट किया जाए और सबको एक ही जगह एक ही छत के नीचे बैठाकर इस तरीके के, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इन सबको एक छत के नीचे लाना, क्योंकि सबके व्यवसायिक जो अपने इंटरेस्ट हैं वो बड़े डिफरेंट हैं और सब एक दूसरे से यानी शत्रु समान एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते हैं। तो मेरा मेन मोटिव ये होता है कि किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से इनको एक ही छत के नीचे सबको बैठाया जाए, एक दूसरे से संवाद हो, बात हो और सब लोग एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो यही मेरी कोशिश होती है और ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। इस मौके पर सवाल जवाब का भी एक सेशन रखा गया ताकि प्रोग्राम में आई ऑपरेटर और ब्रॉडकास्टर अपने अपने सवाल भी रख सके। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से बात करते हुए कई केबल ऑपरेटर और ब्रॉडकास्ट ने अपनी अपनी बातें रखी। देखिए, कमियां तो काफ़ी सारी हैं। पहले जो हमारी इंडस्ट्री थी वो रेगुलराइज नहीं थी। ट्राई ने अच्छे एफर्ट्स किए, उसको रेगुलराइज किया, पर करते करते जो अब NTO 1 लाए,
उससे क्या हुआ, जो बेस है वो 50% चला गया। देखो इसका डेफिनेशन तो ट्राई वाले बताएंगे, जिन्होंने NTO 1 बनाया, फिर NTO 2 लाया, अब NTO 3 लाए। बेसिकली उससे क्या हुआ, स्क्वीज़ हो गई इंडस्ट्री, OTT प्लेटफॉर्म पे कोई लगाम नहीं है, और रेगुलर आप अपनी जो इंडस्ट्री जिसमें आपको आपको अच्छा पैसा गवर्नमेंट का जाता है, सब कुछ आपके हिंदुस्तानी लोग, हाँ कितने लोगों की रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है, वो सर्वाइव कर रहे हैं। आप OTT को, आप जिस पे कोई लगाम नहीं है, कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है, अब वो प्रमोट होता जा रहा, उसके लिए कुछ है नहीं, तो इसका ट्राई को सोचना पड़ेगा। थिंक सीरियसली कि भाई जहाँ से इतने लोगों का बिजनेस जुड़ा हुआ है, उसको सीरियस लेके उसको कंसिडर करना पड़ेगा, ताकि वो सर्वाइव कर सके। और OTT और जिस तरह से जा रहा है, इन पे लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम राजीव खुराना है। मैं जब ये केबल इंडस्ट्री शुरू हुई थी तो ये सिर्फ वीडियो चैनल चलता था, एक सिंगल, तब से हूँ इस इंडस्ट्री में। ये बाद में सैटेलाइट चैनल्स और एक ही वायर के अंदर 2 चैनल या आज 100 चैनल या फाइबर के थ्रू जितने भी हो गए हैं। मैं 89 से इस इंडस्ट्री में हूँ। टेक्नोलॉजी डिजास्टर चेंज है, टेक्नोलॉजी ने ऐसा डिजास्टर कर दिया है चेंज कि अब तो सब कुछ है इसमें। पहले तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए शुरू हुआ था, एक वायर के थ्रू फिल्म देखना लाइक दिस, अब उसमें सब कुछ है। फाइबर आ गया, टेक्नोलॉजी इसमें सब कुछ है, TV है, टेलीफोनिक है, इंटरनेट है, हर चीज़ है। देखिए चेंजेस हर इंडस्ट्री में आती हैं, जो समय के साथ बदल लेगा वो रेस में रहेगा ठीक, लेकिन जो टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं करेगा अपने आप को, वो डिलीट होगा ही होगा। वजह ये है कि अब बड़े बड़े पैसे का गेम है। हमने जब केबल TV शुरू किया था तो हमारे पास एक VCR और कुछ पैसे, मतलब हज़ारों में करके हमने शुरू किया था। आज करोड़ों रुपए से कम आप कर ही नहीं पाएंगे। आपको जो चाहिए वो बड़े बड़े उसमें फाइनेंसर चाहिए, बहुत बड़ी कंपनी चाहिए। अब वो बहुत चेंज है। TRAI को एज ए रेगुलेटर लेकर आई थी सरकार, जब कैश लगा था तो कैश के रेगुलेशंस नहीं थे कोई, उसके लिए रेगुलेटर को लगाया गया था। बीच में बात चली थी कि ब्रॉडकास्ट के लिए एक अलग रेगुलेटर होना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं है। तो ट्राई परमानेंट रेगुलेटर ही है हमारी केबल और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर का एज ऑफ नाउ। क्या लगता है सबसे बड़ी चुनौतियाँ चुनौती है? कॉम्पिटिशन ही सबसे बड़ी चुनौती है, और आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपका जो आप एक कभी मोनोपोली एक बिजनेस होता था, अब उसमें इतने सारे स्टेक होल्डर अगर कंपटीशन में आएंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी, और जो न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ आपकी कंटेंट की जो डिमांड है, वो जो लीनियर पे, जैसा कि आज सेक्रेटरी साहब भी बोल रहे थे कि आप कुछ ऐसा कंटेंट है जो OTT पर है बट आप केबल पे नहीं दिखा सकते हैं, तो उसका भी एक चैलेंज है कि कुछ कस्टमर वहाँ शिफ्ट होता है। और इंडिया प्राइस कॉन्शियस कंट्री है, यहाँ पर फ्री डिश के भी काफ़ी सब्सक्राइबर हो जाते हैं इसीलिए। एक वक्त था जब घर घर केबल पहुंचाने की एक जिम्मेदारी, चाहे वो सरकार की रही हो, केबल ऑपरेटर्स की रही हो, या फिर इस इंडस्ट्री के हर उस शख्स की रही हो, जो एक नए टेलीविज़न युग की शुरुआत पे देखा जाता है। लेकिन आज के समय में केबल ऑपरेटर्स हों या फिर वो सर्विस प्रोवाइडर हों, वो कहीं ना कहीं अपनी एक साख बचाने या उस इंडस्ट्री को और आगे ले जाने की जद्दोजहद में। मेरे साथ कुछ ऐसे ही इंडस्ट्रीज हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। थैंक यू, शुक्रिया। सर मैं जानना चाहूँगा कि अभी सबसे पहले चुनौती क्या क्या लगता है केबल ऑपरेटर्स के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म्स हो, डिजिटल मीडिया हो, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, वजह क्या लगती है इसको अभी इस तरीके से आप ये देख रहे हैं? देखिए लॉकडाउन में बहुत बदल गया, तो केबल को इतना ही करना पड़ेगा। केबल तो 25-30 सालों से है यहाँ, OTT को अपनाना पड़ेगा, इंटरनेट को अपनाना पड़ेगा, ब्रॉडबैंड को अपनाना पड़ेगा, और जहाँ तक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर है जो ऑपरेटर को ऑर्गेनाइज करता है, उनको मल्टी सिस्टम देना पड़ेगा, मल्टी सर्विस देना पड़ेगा। अगर ये करेंगे तो अगले 50 साल के लिए ये चलेंगे। आप लंबे समय से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आई थिंक मोर देन 2 से 3 दशक हो गया, 3 दशक हो गया सर, 25 ईयर्स।
आपको लगता है कि तब के और अब के हालात में कितना बदलाव आप देखते हैं इस इंडस्ट्री को लेकर? बदलाव इतना ही है कि जब समय पहले आता उस टाइम जो हम कहते हैं ना एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, कि घर घर जाके कस्टमर को समझ के उनकी नीड्स को फुलफिल करना, उनके नीड्स को पूर्ति करना और उनको कम पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देना, वो जो था वो जब रेगुलेशन आने शुरू हुआ 2004 से थोड़ा बहुत ऑपरेटर और एमएसओ के हाथ से निकल गया और अब हर चीज़ का कंट्रोल है, 1900 रुपये चैनल ये वो, ब्रॉडकास्टर्स को ज़्यादा इस वक्त। इसकी एक मेन वजह ये भी लगती है सर, सरकार का बहुत ज़्यादा दखल होना भी कहीं ना कहीं। कोई दखल नहीं है, 2004 से सरकार इस इंडस्ट्री से बाहर है, अगर है तो ट्राई का है और ट्राई से मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अब जब 18-19 साल बीत गए हैं तो जो फॉरबेरेंस की बात वो ब्रॉडकास्टर्स के लिए करते हैं वो केबल के लिए भी करें। लेकिन उसे ट्राई के बारे में कहा था, वो टेम्परेरी तौर पे आए थे, खुद परमानेंट हो गए अब इस तरीके। वो टेम्परेरी तौर पे आए थे और परमानेंट इसलिए हुए कि अगर आपको याद है कि 2001 में कन्वर्जेंस बिल आ रहा था, उस समय में ये कहा गया था कि ट्राई को ये पावर दिए जाएंगे जब तक कि ब्रॉडकास्ट रेगुलेटर आए, और 1995 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि ब्रॉडकास्टर के लिए ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए एक रेगुलेटर होना चाहिए, वो आज तक बना नहीं। तो केबल ऑपरेटर्स तो केबल से जुड़े हुए हैं, केबल एक्ट से, ब्रॉडकास्टर्स पे अभी भी रेगुलेशन नहीं है, वो रूल्स और सर्कुलर के आधार पे उनको रेगुलेट किया जाता है। तो जो ट्राई है इसलिए है क्योंकि ब्रॉडकास्ट रेगुलेटर नहीं है। हमारे साथ मिस्टर महतो भी हैं, मुझे आपको क्या लगता है कि आप मानते हैं केबल ऑपरेटर्स वो क्वालिटी अभी नहीं दे पा रहे हैं जो OTT प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं? मेरे को ऐसा नहीं लगता, मेरे को लगता है कि दोनों अलग अलग माध्यम हैं, दो अलग माध्यम हैं, दोनों माध्यमों को इकट्ठा चलना है, दोनों माध्यमों के कस्टमर, अभी हमारे डिस्कशन में भी किसी ने कहा कि कस्टमर सेम हैं, तो केबल ऑपरेटर अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचा ये कहना बिल्कुल गलत होगा। बात ये यहाँ तक है कि हर अंग को साथ में मिलके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कस्टमर की चॉइस बढ़ानी है तो कस्टमर की चॉइस बढ़ेगी तभी जब वो कस्टमर सब कुछ देख पाए। तो केबल ऑपरेटर को इतना समझना पड़ेगा कि हर रेगुलेशन को अपने अगेंस्ट में सोचना शायद गलत होगा, इक्वली ब्रॉडकास्टर के लिए भी वो गलत है, एमएसओ के लिए भी गलत है। रेगुलेशन रहेगा, हर जगह है, हर जगह है, हर देश में है, लेकिन रेगुलेशन के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करना और उस रेगुलेशन के दायरे में रह के बिजनेस को बढ़ाना, जो हमने बात कही थी लीनियर हैज़ टू गो लैटरल, तो आपको अपने नेटवर्क को और तरीके से मोनेटाइज करना है। और मेरे को नहीं लगता कि केबल ऑपरेटर ये कर नहीं पाएंगे, अगर 30 साल से कर पा रहे हैं तो अब क्यों नहीं कर पाएंगे, ये मतलब इस पर कोई ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, बदल चुका है, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, तो बहुत अब तो थोड़ा सा इजी है ना पहले के मुकाबले। टेक्नोलॉजी हमेशा बदलेगी, जब हम आज बात कर रहे हैं, हमने जब इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी तब एक बहुत लंबा सा टाटा 407 पे बना हुआ सी बैंड का वो होता था, फिर KU बैंड, हाँ फिर KU बैंड के छोटी गाड़ियाँ आईं, और आज की डेट में शायद आपके वहाँ पे एक बैकपैक होगा, राइट, वो भी काफ़ी छोटा हो गया है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडकास्टिंग अगर इतना बदल गया तो केबल ऑपरेटर भी बदल गया है, कि वो अपग्रेडेशन जो है वो कांस्टेंट है। ये बड़ी वजह लगती है आपको ये कितना समय के साथ बदलाव? क्योंकि हम जब बचपन में हम लोग सीखते थे कि ये टेलीकॉम मीडिया और टेक्नोलॉजी सेक्टर है, एक्चुअली ये सेक्टर कंटेंट और टेक्नोलॉजी सेक्टर में तब्दील हो गया है। इट इज़ कंटेंट विच इज़ डिलीवर्ड अक्रॉस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स एंड दैट इज़ द ओनली चेंज दैट एवरीबडी हैज़ टू वेक अप टू। वंस यू वेक अप टू दैट चेंज देयर इज मनी टू बी मेड एवरीवेयर। आई वांट टू नो कि गवर्नमेंट से या मिनिस्ट्री से आप लोगों की मेन डिमांड्स क्या हैं जो इंडस्ट्री को जो पहले एक लेवल था उस लेवल तक ले जाने के लिए? शायद मैं केबल ऑपरेटर नहीं हूं तो डिमांड करने के की हैसियत मेरी नहीं है, पर इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर होते हुए हम बस इतना कह सकते हैं कि आज की डेट में मिनिस्ट्री हो चाहे रेगुलेटर हो चाहे मंत्री हो, हर कोई सुन रहा है बात को। अब इन सारी बातों को सुनकर अगर इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक दायरा बनाया जाए, उसी दायरे के अंदर ग्रोथ होगा, नहीं तो मुश्किल होगा। मतलब वक्त के साथ बदलना पड़ेगा बदलाव एक कांस्टेंट है। सर लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट, सर
इस इंडस्ट्री से जहाँ एक तरफ सरकार रोजगार की बात करती है, लाखों, मैं अगर कहूँ करोड़ों लोग जुड़े हैं तो वो गलत नहीं होगा, लगता है कि अगर इंडस्ट्री इसी तरीके से बैकफुट पर जाती रही तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का भी बड़ा मुद्दा खड़ा हो सकता है इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को? ये होगा, ज़रूर होगा, और ये इसलिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि बेरोजगारी हो सकती है बढ़े, तो इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार को देखना चाहिए कि रोज़गार पे भी असर ना आए, और रोज़गार के लिए क्या है, टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा इंडस्ट्री को, और नए टेक्निकल लोगों को लाना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजी को समझे और कस्टमर को सर्विस दे। तो आपने देखा कि केबल ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स का क्या कहना है। समय की नीति यही है कि समय के साथ चले, और आने वाले दिनों में केबल ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स सरकार की नीतियों के साथ साथ इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का उद्धार कर सके। बदलते वक्त और हालात को लेकर अगर कोई इंडस्ट्री समय पर बदलाव नहीं करती है तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उनसे जुड़े हुए हजारों, लाखों या करोड़ों लोगों को भुगतना पड़ सकता है। शायद यही कुछ हाल हुआ इस इंडस्ट्री का भी, क्योंकि केबल इंडस्ट्री एक वक्त ऐसा था जो अपने पूरे शबाब पर थी, लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी आई, जिस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म्स आए, जिस तरीके से नए कंटेंट आए, उनको लेकर अब मार्केट में क्रेज़ दूसरी तरह है। इस इंडस्ट्री को भी समय रहते अपने आप के, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कहीं ना कहीं बदलाव करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसी को लेकर होटल ललित में आज आयोजित इस प्रोग्राम में सभी इंडस्ट्री के बड़े लोगों ने अपने ख्याल रखे और उन्होंने साफ कह दिया कि सरकार जिस तरीके से नियम बनाती है उसको लेकर अब इस इंडस्ट्री पर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडस्ट्री से जुड़े हुए उन लोगों की जो पिछले 2-3 दशक से ज़्यादा समय से इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से नियम बनाए, जिस तरीके से रेगुलेशन बनाए, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को खासे परेशानियाँ होती हैं। अब वक्त है समय के साथ बदलाव का, तभी इस इंडस्ट्री का भला हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सरताज के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।